अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विधायक निवास पर जाने माने योग प्रशिक्षक योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने योगा के प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति जैसी विभिन्न आसन करने के टिप्स दिए, साथ ही विभिन्न क्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। बहुत शानदार लाभ मिलता है, तो ये समन्वय किया है, इसको रोज हमारे पैकेज में 2 से 3 मिनट करना ही करना चाहिए। आदर्श क्रिया, आदर्श, बहुत बहुत तो ये बटरफ्लाई जो है इसको आप नियमित रूप से अपने आसनों की श्रृंखला में जरूर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने योग दिवस को ऋषि मुनियों के प्रति सच्चा आभार बताते हुए कहा कि योग हमारी संस्कृति की प्राचीनतम पहचान ही नहीं बल्कि एक सुखद, संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की एकमात्र कुंजी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर रखकर योगा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की पहल का ही परिणाम है कि आज पूरा विश्व योगमय हो गया है और हम आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आभार, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक स्वरूप दिया और निश्चित तौर पर आज के भागम भाग की जिंदगी में, आज के तनाव की जिंदगी में जो योग को अपना जीवन का अंग बनाते हैं उनका जीवन सुलभ भी रहता है, सुंदर भी रहता है और जीवन के अंदर तनाव मुक्त भी आदमी रहता है। उन्होंने योग के क्षेत्र में लंबे समय से आमजन को प्रशिक्षित कर रहे योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में आपने योगा के माध्यम से अनेक बीमारियों से मुकाबला करते हुए स्वस्थ रहने के गुर सिखाए हैं जिससे आम जन लाभान्वित हुआ है। मैं विशेष तौर पर योग के क्षेत्र में हमारे चूरू की शान, शेखावाटी जनपद की शान, योगाचार्य मनोज जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जब पूरा विश्व इस पद्धति की ओर देख रहा है और जिस प्रकार की वैश्विक महामारियां आ रही है, इस संक्रमण काल के अंदर योगाचार्य जी हमें योगों के नज़दीक लेकर जाते हैं। जैविक खेती और दूसरा वो हमारे जीवन की पद्धति जो अनादि काल से प्रमाणिक तौर पर हमारे पूर्वजों ने जिया, जिनको पर्यावरण की शुद्धता की बात, पेड़ लगाने की बात, इन सारी बातों की ओर हमारी जीवन पद्धति को बदलने के लिए मनोज जी का जो योगदान है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिविर में पहुंचे साधकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि शिविर में प्राप्त जानकारी को आप आम जन के साथ साझा करते हुए योग पद्धति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने इस योग को किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि योग साधक इस योग की क्रिया को, प्रक्रिया को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगाचार्य आपका और उम्मीद करता हूं कि इस चूरू के अंदर योग साधना के अनुसार आप लोगों को इस पद्धति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी साधक आज यहां आए हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वैश्विक महामारी है फिर भी आज जितने बड़ी संख्या में आप लोग आए हो उस डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मैं उन सब योग साधकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी पार्टी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे सबको निर्देश दिया था कि हमें अगुवाई करके लोगों को योग से परिचय कराएं, आपका सबका धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासु चावला, पंचायत समिति प्रधान दीप चंद राहर, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष दीन दयाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, चंद्रा राम गुरु, आईटी सेल सह संयोजक सुरेश मिश्रा, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, सुनील खटीक, राजेश माटोलिया, मंडल आईटी संयोजक अशोक तंवर, मंडल मीडिया संयोजक अजय तंवर, श्रीराम पीनपलवा, मदन गोपाल बालान, राजेश रक्षक, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, हेम सिंह शेखावत, दिनेश शर्मा, नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, ममता जोशी, भागीरथ सैनी, पवन चावरिया, दयाल सिंह, अरुण शर्मा, निरंजन सेन, कपिल रक्षक, जय प्रकाश प्रजापत, मुकेश प्रजापत, रामवतार लोहिया, सूर्य प्रकाश ढाका आदि मौजूद रहे।